चैनपुर प्रखंड में रौतिया समाज के लोगों का लगभग 50 एकड़ जमीन को दलालों के द्वारा अंचल कर्मियों की मिलीभगत से फर्जी तरीके से लिखवा लिया गया, जिसके विरोध में रौतिया समाज के लोगों ने मंगलवार को चैनपुर बस स्टैंड को जाम कर आक्रोश प्रदर्शन किया। चैनपुर बस स्टैंड लगभग 4 घंटे जाम रहा, जिससे राहगीरों यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। रौतिया समाज के एक व्यक्ति छतरपुर निवासी महिनाथ रौतिया उर्फ बेनी की मौत सदमे में हो गई। लोगों ने बताया कि जमीन की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा लेने के सदमे में महिनाथ रौतिया की मौत हो गई, जिसके बाद रौतिया समाज के लोगों का गुस्सा भड़क उठा और समाज के लोग शव के साथ सैकड़ों की संख्या में चैनपुर बस स्टैंड पहुंच सड़क जाम कर दिया और प्रशासन व जमीन माफियाओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एक जमीन का मामला आया हुआ है कि जमीन दलालों ने गलत ढंग से उनका रजिस्ट्री करा लिया है और मोटेशन भी करा लिया दिग्भ्रमित करके, उससे लोग नाराज हैं। रोड भी आज एक मृतक के रौतिया समाज के उसके सारे रोड भी जाम किया गया है, तो इसके लिए हम लोगों ने सीओ चैनपुर और टीम इस पर हम लोगों ने 7 दिन का समय दिया है कि गलत ढंग से दलालों ने अगर जमीन का अंग्रेज बिक्री किया है तो दलालों पे जो है सो कार्रवाई होगी और जो जमीन जिनका है उसको वापस भी कराया गया। आज जो रोड जाम किया गया है तो छतरपुर मौजा के महिनाथ रौतिया की मृत्यु हो गई और महिनाथ रौतिया से संबंधित जो जमीन का जो रजिस्ट्री हुआ है उसका मोटेशन नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि हम सारी चीज़ों को देखने के बाद ही करेंगे और उनकी जो डेथ हुई परिवार से संवेदना है। अभी हम लोग अपने स्तर से आर्थिक सहायता दिए हैं, चावल वगैरह जो भी राशन है वो भी करेंगे। साथ ही साथ प्रखंड विकास अधिकारी द्वारा कहा गया है कि उनके परिवार के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए जहाँ भी हो सके वहाँ नामांकन कराएंगे। और हम जनता से अपील करते हैं कि जमीन के मामले में जनता खुद जागरूक रहें और जो बिचौलियाँ हैं जो कुछ पैसे या कुछ खिला खिलाकर जमीन लिखाते हैं तो उस पर सजग रहे, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस में जमीन रजिस्ट्री होने से पहले जो रजिस्ट्री हुआ है वो रजिस्ट्री पट्टा भी रद्द होगा और अगर कोई बहुत पहले अगर कोई मोटेशन हुआ या मेरे कार्यकाल में हुआ है तो उसे विधिवत अपील के द्वारा हम लोग रद्द करते हैं। राम प्रसाद रौतिया से संबंधित जो मामला है क्या है? उस मामले में DCLR कोर्ट के जो आदेश थे उसी आदेश के आलोक में कार्रवाई की गई है, फिर DCLR कोर्ट का रिवीजन होगा और फिर उसी के आलोक में उसे रद्द कर दिया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।